हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरदीप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेम लर्निंग्स। फ्रेंड्स, अगर आप भी विंडो को खुद से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप विंडो को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो का प्रोसेस होता है, जो कि बूटेबल मीडिया जिसके थ्रू आप अपनी विंडो को इंस्टॉल कर सकते हो। जो बूटेबल मीडिया होती है वो दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है आपकी पेन ड्राइव और USB, सेकंड होता है CD डिस्क। आप इन दोनों मीडिया के थ्रू अपनी जो विंडोज है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है बूटेबल मीडिया की, कि जिसके थ्रू आप अपनी विंडो को बूट करवाओगे, देन फिर आप अपनी विंडो को इंस्टॉल कर सकोगे। और इसके लिए जो आपको मार्केट से एक जो होती है CD बाय करनी पड़ती है, तो आपको जो विंडोज़ की CD है अब बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अपने जो पेन ड्राइव और USB है उसको आप बूटेबल बना सकते हो। आप कैसे बूटेबल बनाओगे वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, ना जो कि लास्ट तक आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर है आपको अपने PC में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो सॉफ्टवेयर आपको कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बता दूंगा। ये मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है और आप देख सकते हो कि ये जो डिवाइस की ऑप्शन आ रही है यहाँ पर, जो मेरी USB है इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है। ये जो वायरस डिटेक्टर है ये मैंने अपनी USB का नेम चेंज किया हुआ है, ऐसे वायरस की कोई बात नहीं है। सो ये जो मेरी 32GB की जो USB है यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। जो उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है बूट सिलेक्शन, यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो है अपनी जो आपके पास जो विंडोज़ की ISO फाइल है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। मैं सेलेक्ट करता हूँ जो ये है, और ये जो मेरी है विंडोज़ 10 की, जो मैं विंडोज़ 10 की जो है अपनी USB को बूटेबल बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं ओपन कर दूँगा, आप देख सकते हो कि ये जो मेरी विंडोज़ 10 की है ये मेरी सेलेक्ट हो गया है, और यहाँ पर है विंडोज़ इमेज, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है इमेज ऑप्शन। यहाँ पर आपको जो है स्टैंडर्ड विंडोज़ को इंस्टॉलेशन पर ही रहने देना है। नेक्स्ट जो है पार्टीशन स्कीम, इसको भी आपको सेम, तो टारगेट सिस्टम को भी आपको जो है सेम ही रहने देना है। यहाँ पर जो फॉर्मेट ऑप्शन है, यहाँ USB है उसका नाम क्या रहेगा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर विंडोज़ 10 लिख दिया, और जो नेक्स्ट है फाइल सिस्टम, यहाँ पर आप देख अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ दोनों को FAT32 या NTFS को सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, और जो एक क्लस्टर साइज़ है आप इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। और उसके बाद जो है आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर एक जो है वार्निंग शो करेगा, कि जो USB और पेन ड्राइव में जो भी डेटा है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट कर देगा। तो आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, आपको अपनी पेन ड्राइव बूटेबल बनानी है तो आप इसको ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं जो मेरी पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है आपको कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप क्रोम पर जाएँ,
यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है डाउनलोड, और आप एक बात का ध्यान रखें कि आप अगर अपने कंप्यूटर में किसी भी तरह की जो कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो और आप कोशिश करें कि आप उस सॉफ्टवेयर को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। तो देखिए यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ इनको। तो ये जो एप्लीकेशन है रूको, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये 1.1 MB की एक छोटी सी एप्लीकेशन है और आप देख सकते हैं कि आपकी जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो चुकी है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। और आप देख सकते हैं जो मेरी विंडोज़ की जो USB है वो बूटेबल हो रही है। तो आप इसको तब तक वेट कर लें जब तक ये बूटेबल बन रही है। और अब जो है हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बनकर रेडी हो चुकी है। तो विंडो को बूट करने से पहले अब बात करते हैं कि आप जो ये ISO की फाइल है विंडोज़ की, आप वो उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पर और वहाँ पर मैं इस जो वेबसाइट है इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्रेस करना है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। ये देखिए इसको आपने नो थैंक्स कंटिन्यू टू डाउनलोड कर करके क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं जो आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पीसी में इंस्टॉल होने लगा है। तो मैंने इसको भी ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आप इसको ओपन करेंगे तो ये जो इसको मैं डेस्कटॉप पर मैंने कॉपी किया हुआ है, आप इसको कॉपी या कट करके कहीं पर भी रख सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको इसे राइट क्लिक करना है, देन इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। और यहाँ पर आपको एक बार का ध्यान रखना है कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये जो ISO डाउनलोडर है ये ओपन हो गया है। यहाँ से आप विंडोज 7 8.1 विंडोज 10 आप किसी की भी यहाँ से जो ISO है डाउनलोड कर सकते हो। मैंने विंडोज 10 की पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया है। मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से विंडोज 10 कैसे जो उसकी ISO है डाउनलोड कर सकते हो। आपने विंडोज 10 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर जो इसका एडिशन है वो सिलेक्ट करना है। ये जो लेटेस्ट है 2020 अपडेट है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला है फॉर्म और प्रोफेशनल है ये सिलेक्ट कर लिया, देन प्रेस करना है कंटिन्यू पर।
तो यहाँ पर इसको आप, यहाँ पर है आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश और कंटिन्यू। और एक बात आपने यहाँ पर नोटिस करनी है, आप चाहे तो यहाँ से भी जो है अपनी विंडोज़ की ISO को डाउनलोड कर सकते हो, या आप इसको किसी दूसरे ब्राउज़र में जाकर भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप ये जो है 32 बिट की ISO है और ये 64 बिट की, हमने अगर 64 बिट की करनी है तो मैं इसका लिंक जो है 64 बिट का कॉपी कर लूँगा। ये जो लिंक कॉपी हो गया है, और क्रोम ब्राउज़र में जाकर यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करेंगे, देन एंटर। ये देखें जो विंडोज 10 की जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, तो इसको कैंसिल कर दूँगा। आपको इसे कंप्लीट तक डाउनलोड करनी है, इसके बाद आपको क्या करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए अब आपको जो USB बूटेबल बनाई है उसके थ्रू विंडोज को बूट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जो मेरी विंडोज का वर्जन है आप उसको चेक कर लें। ये मेरे पीसी में अभी विंडोज 8 है जो इंस्टॉल है। जो हमने पेन ड्राइव को अभी बूटेबल बनाया है वो क्या सक्सेसफुली बूटेबल बन चुकी है या नहीं, सो हम विंडोज को बूट करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने पीसी को कर लूँगा रिस्टार्ट। ये सो देखिए गाइस, ये जो फर्स्ट वाली है वो है मेरा DVD राइटर की है, सेकंड वाली है ये मेरी हार्ड डिस्क है, थर्ड वाली जो पेन ड्राइव, ये जो फोर्थ वाली है पार्टीशन UEFI के थ्रू हमने जो अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल किया था। सो यहाँ से हम अपनी विंडोज़ को बूट करेंगे, देन प्रेस एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी विंडोज़ 10 की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। माय लैंग्वेज जो है मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरी इंस्टॉलेशन है विंडोज़ 10 की वो है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, यहाँ जो है स्टार्ट हो चुकी है। सो मुझे अभी विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं करना है, इसलिए मैं इसको बैक कर रहा हूँ। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ लग गई हो, और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर फिर भी आपको अगर कोई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय।